सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी विपिन चौबे के पास, लखनऊ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। विपिन, लखनऊ से कहा जाता है दिल्ली की क्या रास्ता होकर गुजरता है, 80 सीटें हैं लोकसभा की, और आप जहां पर हैं वहां पर तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस बार टारगेट 5 लाख से ज्यादा जीतने का है। बताइए ग्राउंड पर इस वक्त कहां कितनी गर्मी और नतीजों को लेकर कितनी सरगर्मी, बताइए। देखिए गौरव, मैं इस वक्त लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में मौजूद हूं और रमाबाई अंबेडकर मैदान ये वो काउंटिंग सेंटर है जहां अंदर सब कुछ तैयार हो चुका है। सुबह 8 बजे का इंतजार किया जा रहा है और 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है चारों तरफ। आप देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के आपको लोग नजर आएंगे और इस तरफ आप देखिए सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। यहाँ किसी को आने की इजाजत नहीं है, यानी जिसके पासेस हैं उसको बस आने की इजाजत है, जिसके पास पास नहीं है वो इस एरिया में धारा 144 लागू है, कोई भटक भी नहीं सकता। और आप भी जानते हैं कल रात से अब तक चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी तक ने सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जिम्मा संभाल रखा है और कहा है कि उपद्रव नहीं होने देना है, किसी तरह का जश्न नहीं होगा और जो कोई भी धारा 144 तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब सबकी नजरें रमाबाई अंबेडकर मैदान के इस काउंटिंग सेंटर पर है जहां पर सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी और देश के रक्षा मंत्री यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ होगा उस पर निगाहें, और हम तुरंत आपके पास आएंगे, सारे अपडेट्स आपके लेंगे। लेकिन अब वक्त है लोअर स्टूडियो में जाने का। ओटीयू सुमेरा। जी हाँ गौरव, देखिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और ये एलईडी है, यहाँ पर एक जो सीट है एनडीए को मिल गई है तो खाता खुला है और यहीं पर हमारे जो आंकड़े हैं वो बदलते जाएंगे। लेकिन गौतम दादा, ये लगातार सबकी नज़र है कुछ स्टेट्स पर जिनको कहा जा रहा है बीजेपी के लिए भी जो एक बड़ा टेस्ट है। बीजेपी ने जहाँ बहुत मेहनत की है जिसमें पश्चिम बंगाल भी एक अहम स्टेट है और उसको लेकर आंकड़े भी अलग अलग तरह के सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर आपकी नज़र है? पश्चिम बंगाल में निश्चित तौर पे जो फैक्टर सबसे बड़े होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, उसका ऊपर ही लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ ना, इस बार ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा शिकायत आ गया क्योंकि भ्रष्टाचार का बहुत मामला है आ गया सामने जो पहले नहीं था। इसके साथ साथ संदेश खाली का मसला, संदेश खाली में यह है कि ममता बनर्जी का खास जो वोट बैंक है महिला वोट बैंक, लेकिन संदेश का ली घटना वो वोट बैंक में अगर सेध लाते हैं तो ये ममता के लिए मुश्किल हो जाए। तो आपके मुताबिक बीजेपी को बड़ा गेन हो सकता है यहाँ? इसमें कुछ गेन डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन एक प्रदेश मध्य प्रदेश जहाँ से शिवांग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भोपाल से शुभम हमारे साथ हैं। शुभम, मध्य प्रदेश एग्जिट पोल के मुताबिक तो क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए हमारे साथ शुभम यहाँ जुड़ गए हैं। देखिए शुभम, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करते हुए दिखाई दे रही है बीजेपी, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी कुछ सीटों पर अभी भी कह रही है कि कुछ फाइट है वहां पर, उनकी नजरें बनी हुई, तो वो कौन सी सीट है जिन पर नजर बनाकर हमें रखने की जरूरत है? देखिए बिल्कुल, 2014 और 2019 के ही नतीजे देखें तो 29 में से 27 सीटें 2014 में बीजेपी को मिली, 2019 में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली छिंदवाड़ा, और इस बार तो वो सीट भी जाती हुई नज़र आ रही है जो हमारे एग्जिट पोल में है। मगर जो आपने जिक्र किया, सवाल किया कि ऐसी कौन सी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस को लगता है कि उम्मीद है, तो उसमें सबसे पहली सीट तो छिंदवाड़ा है जहाँ पर कांग्रेस को लगता है कि ये सीट हम लगातार 40 सालों से जीतते आ रहे हैं तो ये सीट एक बार फिर से हम जीतेंगे। दूसरा सबसे हाई प्रोफाइल मध्य प्रदेश की सीट हो जाती है वो है राजगढ़, जहाँ से दिग्विजय सिंह 33 सालों के बाद चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ से भी काफ़ी उम्मीद है। 76% मतदान इस सीट पर हुआ है, दिग्विजय सिंह ने जमकर इस सीट पर मेहनत की है, पदयात्राएं की है, हर विधानसभा में वो पहुंचे हैं। और इसके बाद की झाबुआ सीट है, आदिवासी सीट है, कांतिलाल भूरिया। शुभम बहुत जल्दी इन 20 सेकंड्स मुझे बताइए अपनी लोकेशन, आपके पीछे आप क्या क्या देख रहे हैं वो दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। बिल्कुल निशान, सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये स्ट्रांग रूम की मतगणना सेंटर की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। काफ़ी हाई सिक्योरिटी रखी गई है, तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही मिनटों के बाद काउंटिंग भी शुरू होने वाली है तो तैयारियां पूरी हैं। भोपाल सीट की अगर बात करें निशान, तो 35 सालों से ये सीट बीजेपी के पास है और इस बार आलोक शर्मा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो राजेश वेरी क्विकली अपनी लोकेशन बताइए और उस लोकेशन के साथ एक छोटा सा सवाल, हमारे एग्जिट पोल में भयंकर फायदा अगर किसी को हो रहा है, एग्जिट पोल को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी क्या कहेंगे उसको लेकर? रवि किशन वहां पर,
अब ये गोरखपुर से देखिए क्या होता है वहां पर, लेकिन यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग। राजेश अपनी लोकेशन हमें बताइए, हमारे जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं बताइए कौन सी लोकेशन है, मुंबई में कहां पर खड़े। हमारे एग्जिट पोल का क्रक्स है, फायदा हो रहा है सीधे तौर पर फायदा हो रहा है कांग्रेस को, फायदा हो रहा है शरद पवार ग्रुप को, गुट को, और शायद पिछली बार जितने नंबर्स रिपीट कर पाए शिवसेना उद्धव गुट जो कि अलग हो गई है। बिल्कुल देखिए, मैं इस वक्त मुंबई में बांद्रा में मातोश्री के ठीक बाहर मौजूद हूं, और महाराष्ट्र में मौसम के मिजाज के साथ साथ राजनीति का भी मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। जो कह सकते हैं कि पारा बहुत चढ़ा हुआ था, गर्मी बहुत ज्यादा थी पिछले 2-3 दिनों से, अब उमस बहुत ज्यादा मौसम के मिजाज में दिखाई दे रहा है, और कुछ लेकिन राजेश भाई यहां इतना सन्नाटा क्यों है भाई, उमस भी दिखाई दे रही क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त चुनाव जो है। मैं कह रहा हूं राजीव यहां पर इतना सन्नाटा क्यों है भाई। बिल्कुल निशांत, देखिए क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त जो राजनीतिक स्थिति है उसको देखकर अंदाजा लगा पाना, भले एग्जिट पोल ने अपने आंकड़े जारी कर दिए लेकिन बड़े बड़े राजनीतिक पंडित फेल हो गए हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में किस तरह के नतीजे हो सकते हैं, क्योंकि एनसीपी हो या फिर शिवसेना है, दोनों में टूट के बाद में बड़ा धड़ा जो है वो दूसरे पक्ष के, यानी कि शिवसेना का बड़ा हिस्सा जो है एकनाथ शिंदे के साथ गया, एनसीपी का बड़ा हिस्सा अजित पवार के साथ गया। ऐसे में वाकई में महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बदलेगी ये कह पाना मुश्किल, और इसी वजह से अभी तक कार्यकर्ताओं में वो जोश नहीं आ रहा है, जब ट्रेंड आने शुरू होंगे हर कोई इंतजार कर रहा है महाराष्ट्र में, वहां सन्नाटा है लेकिन यहाँ बीजेपी दफ्तर पर सन्नाटा नहीं है, वहां बहुत जोश और बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं। अमोद आपके पीछे हम देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं, वो पहले ही आप बता चुके हैं कि कैसे इन सब की खातिर करने के लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन आज का दिन बीजेपी के लिए बहुत अहम है क्योंकि बीजेपी जो दावा कर रही है, जो एग्जिट पोल तस्वीर दिखा रहे हैं, अगर वो होता है तो इतिहास रचने जा रही है बीजेपी, अगर उस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आती है। रुझान देखिए, बीजेपी एकदम पूरी तरह से इस बात को लेकर आश्वस्त है कि उसको पिछले बार के चुनाव से ज़्यादा सीटें इस बार आएंगी, और उसका जो मनोबल है अभी हाई है, और कल उसके लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एक लंबी चौड़ी बैठक भी 2.5 घंटे की हुई थी जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह सरीखे, तमाम वरिष्ठ नेता उसमें शामिल थे। पार्टी की तरफ से विनोद तावड़े जो इलेक्शन मैनेजमेंट की का काम देख रहे थे वो मौजूद थे, और यहाँ वहाँ ये चर्चा हुई कि किस राज्य में कितना सीट आ रहा है, और एक एक सीट पर बारीकी से चर्चा हुई और आज की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई। तो बीजेपी आश्वस्त है कि आज जो शाम है वो उसके नाम होगा, और प्रधानमंत्री शाम में बीजेपी दफ्तर आएंगे और यहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनेगा, प्रधानमंत्री देश को एक बड़ा संदेश भी देंगे। बार बार वो जो कहते हैं कि इस बार बहुत हार्ड और बहुत कड़े फैसले लिए जा सकते हैं शुरुआती दिनों में ही, तो उसकी भी एक कार्यकर्ताओं के बीच कौतूहल है कि क्या वो हो सकता है कड़ा फैसला। और आज बीजेपी पूरी तरह से आप देख सकती हैं, मैं आपको एक नज़ारा दिखाऊं कि मेरे दाहिनी तरफ ये जो बीजेपी दफ्तर का जो किनारा है इसमें किस तरह से खाना बनाने वाले लोग कम से कम। अमोद जी मुझे तो आपसे आज लिटरली यही पूछना पड़ेगा कि अमोद जी वहां पर क्या पक रहा है, कितनी पूरी एक्चुअली खाई, सवाल सवाल यही होना चाहिए आज अमोद जी से जितनी बार भी हम आए, अमोद जी क्या पक रहा है।